हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं भिंडी बनाने जा रही हूँ, तो इसके लिए मैंने प्याज काट करके रख लिए, टमाटर, भिंडी 1 किलो और तेल को उसके ऊपर चढ़ा दिया और अदरक भी काट के रखा था। ठीक है, तो अभी तेल को गर्म होने देते हैं, फिर इसमें मैं डालूंगी अदरक। अदरक डालने के बाद इसमें मैं डालूंगी अनियन। अनियन को अच्छे से हम छोटे कर लेंगे। ये मैंने रफली चॉप किए थे, आधे से तरीके से काट सकते हैं। और मैंने भिंडी को अच्छे से सुखा के पूंछ लिया था, क्योंकि अगर ये गीली होती है तो फिर वो भिंडी नहीं बनती, तो इसलिए आप इसका ध्यान रखें इस चीज़ के लिए। तो इसको अच्छे से आप सॉटे कर लीजिए और गैस को धीमी आंच पे ही रखना है, नहीं तो प्याज जल सकते हैं। तो अच्छे से आप मिक्स अप कर लीजिए। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी टमाटर 1 कटा हुआ, तो आप अपने स्वाद अनुसार जितना मर्जी टमाटर डाल सकते हैं, पर अगर ज़्यादा भी डाल दिए जाए तो खट्टे खट्टे भिंडी बन जाएगी, वो बिल्कुल स्वाद में अच्छी नहीं लगेगी। तो इसको अब अच्छे से हम कर लेंगे, भूज लेंगे इसको अच्छे से। अब इसके बाद मैंने स्वाद अनुसार 1 चम्मच नमक डाला, उससे थोड़ा सा ज़्यादा। फिर मैंने इसमें 1 चम्मच हल्दी डाल दी और 1/2 चम्मच मैंने इसमें डाली देगी मिर्च कलर के लिए, और 1 चम्मच मैंने गरम मसाले का ऐड किया है इसमें, और इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे ताकि मसाले में ये जो मैंने खड़े मसाले डाले ये मिक्सअप हो जाए अच्छे से। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं इस स्टाइल से बनाने के, आप भी अपने बच्चों को खिलाएं तो बहुत टेस्टी बनते हैं, बच्चे दीवाने हो जाएंगे भिंडी के। इसमें आप चाट मसाला भी डाल सकते हो। अब मैंने जो भिंडी काट रखी थी रफली चॉप, वो मैंने इसमें डाल दी है, तो इसको अच्छे से अब हम हिला लेंगे और गैस को धीमी आंच पे ही रखना है, क्योंकि जो मसाला होता है वो चिपकना शुरू हो जाएगा। और इसको अच्छे से हिलाने के बाद ये देखिए खिड़ी खिड़ी हमारी भिंडी तैयार है, आप अपने बच्चों को खिलाएं। धन्यवाद।